चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या लिया हुआ है, ये मैंने रगड़े का मटर लिया हुआ है, इसे मैंने सुबह भिगा लिया था, अब माशाल्लाह ये फूल चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के धनिया लिया थी और 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च लिया हुआ है और 4-5-6 जितनी आपको मिर्ची चाहिए रहेगा उतना मैंने लिया है। अब मैं इसे भून लूंगी और इसे ग्राइंड कर लूंगी। ये रगड़े का मसाला है तो मैं आपको रगड़े की रेसिपी देने जा रही हूँ जो बहुत टेस्टी और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मैं 2 तरह का आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक रगड़ा पैटिस और एक जो अपने स्ट्रीट में जो रगड़ा चाट होता है ना। तो मैं 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाला इसके अंदर और मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है रगड़े की, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी, सीटी लगा के उसे देखूंगी गला कि नहीं गला। इसे भून लिया है, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून काला नमक डालूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें भूखी मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे हम पीस लेंगे। ये मसाला हमारा रेडी है और मैंने आलू लिया है, धनिया लिया है, यहाँ पे 1/2 टीस्पून भूखी मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा धनिया, और 1 टेबल स्पून भर के मैदा जाएगा इसके अंदर। ऐसे हम मिक्स करके इसका हम टिक्किया बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पैटिस तैयार कर लिया आलू का, मैंने इससे हल्का सा मैदा डस्ट करके ऐसा शेप दिया है हल्का सा और तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाह, आराम से डालिएगा। तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाई हूँ, दो डालिएगा आराम से, थोड़ा थोड़ा गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल दीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना क्योंकि ये पहले ही से पक चुका है माशाल्लाह से, आलू उबला हुआ आलू है। देखिए बस मुझे हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं, मेरा ज़रा भी नहीं फूटा आलू का पेटिस। जैसे आपने मैदा डाला अगर चाहिए तो उसके अंदर थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो और फिर बाद में जब बनाने के टाइम जब आप शेप दे दोगे ऐसे इस तरीके का, हल्का सा मैदा आगे पीछे डस करके फिर उसके अंदर डालिएगा। इसे मैं निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लाल करना है। देखिए माशाल्लाह से हल्का गला है, ज़्यादा गला नहीं है, अभी मैं 2 सीटी और इसे लगा दूंगी। माशाल्लाह से मेरा सब रेडी हो गया है, मैं आपको बताती हूँ रगड़ा पेटिस की तैयारी हम करते हैं। उसके लिए हम पहले बिस्मिल्लाह बॉल में ऐसे सर्व करेंगे रगड़ा, हम अपना पेटिस डालेंगे इसके अंदर आराम से। देखिए माशाल्लाह से फिर मैं इसमें थोड़ा सा इसमें आलू डाल दूंगी हल्का सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि आलू का तो ऐसे वैसे डेकोरेशन के लिए हल्का सा डालूंगी। इसके ऊपर मैंने हल्का सा दही में नमक डाला हुआ है, ये मीठा नहीं है, नमकीन दही है, इसके ऊपर हम सर्व करेंगे हमारे। इमली की चटनी है होममेड, इमली और गुड़ की मैंने बनाया है, ये इसके ऊपर डालेंगे हम। हरी चटनी डालेंगे, ये भी होममेड है,
देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑनियन डालेंगे हल्का सा, थोड़ा सा मिर्ची डालूंगी नाम के लिए क्योंकि चटनी तो हल्का सा दो तीन ऐसे, थोड़ा सा हम टमाटर डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा हम इस पर धनिया डालेंगे, और जो रगड़ा का मसाला है ना ये इस पर स्प्रिंकल करेंगे हम। थोड़ा सा लेमन इस पे स्क्वीज करूंगी मैं। थोड़ा सा हम पापड़ी पे फोड़ेंगे, इसे थोड़ा हम दही डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा फिर से हम मीठी चटनी डालेंगे हल्का सा। थोड़ा सा हम इसमें सेव डालेंगे हल्का सा। देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा हम इसमें अनार का दाना डालेंगे डेकोरेशन करने के लिए। देखिए माशाल्लाह से मेरा चाट रेडी है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए माशाल्लाह से चाट रेडी है, ये बहुत टेस्टी लगेगा माशाल्लाह से, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरा रेसिपी बताती हूँ आपको। रगड़ा लिया है, इसमें मैंने कांदा लिया है थोड़ा सा, टमाटर लिया है, ये बहुत झटपट बन जाने वाला है, ये टेस्ट जाएगा ना जैसे बचपन में हम कभी आप लोग कभी खाए होंगे, सेम उसी टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। जब हम छोटे थे सेम ऐसी टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, आप बना के खाओगे। ये मसाला हमारा जितना आपको चाहिए तीखा, मतलब नमक तीखा जैसे, तो अभी मैं फिलहाल इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं है। और ये ना चटनी नहीं है, ये मैंने ना इमली है, इमली को पानी में उबाल लिया है, उसका पूरा पानी है ये खट्टा खट्टा पानी से, मीठा ज़रा भी नहीं, ये इसके अंदर जाएगा माशाल्लाह से, ये पूरा जाएगा, तब जाके वो टेस्ट आएगा जो हम बचपन में खाते थे ना, सेम उसी टेस्ट इंशाल्लाह आप लोगों को लगेगा। इसके अंदर मैं थोड़ा आलू डालूंगी बॉईल किया हुआ चौकोर टाइप में, और लेमन थोड़ा स्क्वीज करूंगी हल्का सा क्योंकि खट्टा तो है, आप डालो चले डालो आपकी मर्जी। और हरी चटनी जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, चलिए तो थोड़ा और डाल, ज़्यादा डाल दो कम डाल दो आपके ऊपर है। और फिर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से जो ये रगड़ा बन रहा है ना, जिसे क्या बताऊँ आपको मैं, जिसे बचपन में हम कभी स्कूल जाते थे उस टाइम पे तो 5 रुपये में या 10 रुपये में समथिंग मिलता होगा उस टाइम का रगड़ा, सेम उसी टेस्ट इंशाल्लाह आप लोगों को लगेगा। इसे पूरा मिक्स कर लेंगे ताकि जो इमली का पानी है सब जगह मिल जाए। देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा मैं ऐसे डाल देती हूँ, थोड़ा कांदा, थोड़ा टमाटर, चाहिए तो आप इसमें भी पापड़ी फोड़ दो, इसके अंदर भी हम पापड़ी डाल सकते हैं, चाहिए तो ऐसे ही रख दीजिए।
ये होममेड मैंने बनाया है माशाल्लाह से, तभी इंशाल्लाह आपको रेसिपी जरूर दूंगी इसकी। देखिए कितनी खूबसूरती बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह से मेरा रगड़ा रेडी है। ये स्ट्रीट रगड़ा है जो हम ठेले में खाते हैं ना, सेम उसी टेस्ट इंशाल्लाह आपको आएगा। तो ये मेरी रेसिपी डन है, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अब एक और रेसिपी आपको शेयर कर लेती हूँ साथ साथ। हाँ तो फ्रेंड देखिए माशाल्लाह से मैं सोची एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने यहाँ रगड़ा लिया है, सॉरी पापड़ी लिया है, ये सब सामान मौजूद है घर में, तो माशाल्लाह इससे भी रेसिपी को शेयर कर दिया जाए। सब पे मैं आलू डाल दूंगी, आलू फिलहाल अभी कम है मेरे पास, तो हम चलो पेटिस से ही काम चला लेंगे। ये जो पेटिस है आलू वाला, इसी से भी टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह से। तो फ्रेंड अभी मैंने यहाँ दही लिया है, इसमें मैंने शक्कर डाला है थोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ये सब में डालेंगे। दही पापड़ी चाट में बना रही हूँ माशाल्लाह से। जो हम यहाँ हमारे दुकानों में यहाँ पे स्ट्रीट में मिलती है, सेम वैसी जायका इंशाल्लाह से लगेगा आप लोगों को भी। थोड़ा मैं इस पे वही मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, रगड़ा मसाला मेरा होममेड, देखिए माशाल्लाह से। यहाँ मैं इमली का प्यूरी डालूंगी समय थोड़ा सा, देखिए माशाल्लाह से। एक सामान से मैं कितनी सारी डिश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हरी चटनी डाला जाएगा इसके अंदर, देखिए माशाल्लाह से। और इस पे थोड़ा सेव जाएगा, थोड़ा अनार जाएगा, सॉरी थोड़ा अनार जाएगा डेकोरेशन के लिए। और माशाल्लाह से अब लास्ट इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सेव, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। देखिए माशाल्लाह से हमारा पापड़ी चाट इज डन। तो आप लोग देखते हैं माशाल्लाह से मैंने आप लोग के साथ माशाल्लाह से तीन रेसिपी शेयर किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये चाट अच्छी आप लोग को ये चाट अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। आपको देखिए माशाल्लाह से आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा इस रमजान के महीने में। और आखिर में अल्लाह ताला से आप मेरे रुमीना इकबाल माइंड ब्लॉग को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आखिर में बस ये दुआ दीजा है कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको हर बला से बचाए, हमारे रोजे को कबूल फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए, और हम पर अपना रहम करम फरमाए रखे, हमारे दस्तरखान को वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।